सुप्रभात बच्चों, आज की ऑनलाइन के क्लास में हम एक ही मात्रा द्वारा बने गए शब्दों की एक कविता है, इसको हम पढ़ेंगे। पाठ आठ, रेल का खेल। पाठ आठ जब से शुरुआत हुआ है, हम लोग एक ही मात्रा का प्रयोग किस प्रकार होता है, एक ही मात्रा के द्वारा बने गए शब्दों को हमने देखा, उनसे जुड़ी एक कहानी पढ़ी, और आज हम एक ही मात्रा के शब्दों द्वारा बनी एक कविता पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं रेल का खेल। बच्चों को रेल का खेल बहुत पसंद है। सभी बच्चे एक कतार में खड़ा हो जाते हैं एक दूसरे को पकड़ के, और रेल की तरह इधर उधर लंबी लंबी गोल गोल घूमते हैं और रेल का खेल खेलते हैं। यह खेल बच्चों को बहुत पसंद है। तो यहाँ भी कुछ बच्चे रेल का खेल खेल रहे हैं और उन्होंने एक कविता गाई है। तो आइए हम कविता को पढ़ते हैं और इसका आनंद लेते हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी की रोली पुस्तिका निकाल लें। पृष्ठ संख्या 49 आप लोग निकालिए और देखिए, यहाँ सभी बच्चे रेल का खेल खेल रहे हैं। सभी बच्चे एक दूसरे को पकड़ लिए हैं और झंडी भी पकड़े हुए हैं और गीत गा रहे हैं रेल का खेल। तो आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ एक ही मात्रा वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है। आई रेल, आई रेल। बच्चों की एक रेल बनकर आ रही है, आगे की ओर बढ़ रही है और सभी बच्चे गा रहे हैं आई रेल, आई रेल। एक के पीछे एक का खेल। सभी बच्चे एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, एक के पीछे एक है, इसीलिए वह कह रहे हैं कि एक के पीछे एक का खेल। रेल जब बनती है तो एक के पीछे एक बच्चे कतारबद्ध खड़े हो जाते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ लिखा है एक के पीछे एक का खेल। गुड़िया केशव की यह रेल। अब यहाँ किन किन बच्चों के नाम का प्रयोग हुआ है, कौन कौन से बच्चे यहाँ रेल बनाए हैं, तो गुड़िया केशव की यह रेल, रेखा चेतन की यह रेल। कौन कौन से बच्चे हैं जो रेल बनाए हैं, गुड़िया केशव, रेखा और चेतन। यहाँ देखिए बच्चों ध्यान से, एक ही मात्रा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया है। रेल में किया गया है, के पीछे में किया गया है, खेल में एक ही मात्रा है, केशव में एक ही मात्रा है, और ये रेखा चेतन, इन सभी शब्दों में एक ही मात्रा का प्रयोग है। देख रहे हैं आप लोग, च में एक ही मात्रा त न चेतन की यह रेल, र में एक ही मात्रा अल्लाह रेल। तो ये पंक्तियां हो गई, आई रेल, आई रेल, एक के पीछे एक का खेल, गुड़िया केसर की यह रेल, रेखा चेतन की यह रेल। सबसे बच्चों आइए कविता को आगे बढ़ाते हैं। सीटी देती आई रेल। अब रेल चलती है तो वो सीटी देती है ना, तो इसीलिए यहाँ बच्चों ने कहा है, इनमें से ही कोई बच्चा सीटी की आवाज निकाल रहा होगा, ट्रेन आगे बढ़ रही होगी। सीटी देती आई रेल, धर धर करती आई रेल। रेल किस तरह आती है, काफी स्पीड में, काफी तेजी से आती है, इसीलिए कहा गया है कि धर धर करती आई रेल, यानी कि बच्चों की जो रेल आ रही है वह सीटी बजाती हुई काफी रफ्तार से तेजी से आ रही है। चलते चलते आई रेल, पकड़े पकड़े आई रेल। यहाँ कितने सारे एक ही मात्रा के प्रयोग किया गया है, रेल में तो है ही, पहले भी हम लोगों ने देख लिया चलते चलते और पकड़े पकड़े, इन सभी शब्दों में एक ही मात्रा का प्रयोग है। चलते चलते आई रेल और पकड़े पकड़े आई रेल, एक दूसरे को पकड़ के धर धर करती हुई सीटी बजाती हुई बच्चों की रेल आगे की ओर बढ़ रही है। एक के पीछे एक का खेल, सबने एक बनाई रेल। एक के पीछे बच्चे एक लगा कतारबद्ध खड़े हैं और सबने मिलकर रेल बनाई है। खेल रहे सब रेल का खेल, रेल रेल हमारी रेल, आई रेल, आई रेल। सभी बच्चे क्या खेल रहे हैं, कौन सा खेल खेल रहे हैं, खेल रहे सब रेल का खेल, रेल रेल हमारी रेल। हमारी रेल है, बच्चों की रेल है, सभी मिलकर रेल का खेल खेल रहे हैं, आई रेल, आई रेल। सबसे बच्चों आइए इसको एक बार और से हम पढ़ लेते हैं लयबद्ध तरीके से। आई रेल, आई रेल, सबके एक के पीछे एक का खेल, गुड़िया केशव की यह रेल, रेखा चेतन की यह रेल। सीटी देती आई रेल, धर धर करती आई रेल,
चलते चलते आई रेल, पकड़े पकड़े आई रेल, एक के पीछे एक का खेल, सबने एक बनाई रेल, खेल रहे सब रेल का खेल, रेल रेल हमारी रेल, आई रेल आई रेल। तो यहाँ बच्चे बहुत ही खुश हैं, आनंदित हैं, वो रेल का खेल खेल रहे हैं और ये कविता भी गा रहे हैं कि रेल जब चलती है तो क्या क्या होता है, सीटी बजती है, घर घर चलता है, सभी एक के पीछे एक चलते हैं। बच्चों, तो आप लोगों को ये कविता पसंद आई होगी। इस कविता को आप लोग भी किताब में पढ़ के शुद्ध उच्चारण के साथ इसको पढ़ना है, 2 बार 3 बार रीडिंग डालना है इसमें। इस कविता में कोई प्रश्न उत्तर नहीं है बच्चों, लेकिन मैंने कुछ प्रश्न यहाँ बनाया है, आइए उसके उत्तर हम देखते हैं। पाठ में आए 5 एक ही मात्रा वाले शब्दों को लिखो। अब कितनी सारी यहाँ एक ही मात्रा वाले शब्द हैं, मैंने रेखांकित करके आप लोग को बताया है। तो आइए इनमें से कोई भी 5 शब्द हम चुन के लिखते हैं जिनमें एक ही मात्रा का प्रयोग है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेल, एक ही मात्रा है ना, खेल। उसके बाद देखिए केशव, केशव चेतन, इन सभी शब्दों में हम देख रहे हैं एक ही मात्रा है। और एक कोई शब्द ले लीजिए आप लोग, चलते। तो इन सभी में देखिए र में एक ही मात्रा है, ख में एक ही मात्रा है, क में एक ही मात्रा है, च में एक ही मात्रा है, और यहाँ त में एक ही मात्रा। तो ये सभी 5 शब्द हो गए जो एक ही मात्रा द्वारा बने हैं। यहाँ कुछ खाली स्थान है, इनको भरते हैं, खाली स्थानों को भरें। एक के डैश एक का खेल, एक के क्या हो गया, यहाँ पे खाली स्थान है, एक के पीछे, एक के पीछे एक का खेल। दूसरा खाली स्थान है, गुड़िया डैश की अरे। तो कविता में हमने क्या पढ़ा है, गुड़िया केशव की अरे, तो यहाँ हम लोग केशव भर देते हैं। खाली स्थान है, करती आई रेल, क्या करते आई रेल, यहाँ पे आप लोग देखिए धर धर करती आई रेल। धर धर का अर्थ हुआ काफी रफ्तार से, तेजी से, धर धर करती आई रे। और अंतिम है, लास्ट है, सबने एक बनाई डैश, सबने मिलकर क्या बनाई है, सबने मिलकर एक, यहाँ देखिए बनाई रेल, तो यहाँ हम लोग रेल भर देते हैं। इस तरह से बच्चों पाठ में से कुछ प्रश्न निकल कर मैंने बनाए हैं निकाल के, इसमें कोई भी प्रश्न उत्तर नहीं दिया था, और आप लोगों को गृह सार के रूप में इन सभी प्रश्नों को मैं दूंगी। आप लोग इसे कविता को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़िएगा बच्चों। अब आगे की पढ़ाई अगली कक्षा में। धन्यवाद।